आज मैं डीएम कार्यालय के सामने खड़ी हूँ और यहाँ पर नरेनी ब्लॉक के पोहार गांव से काफ़ी मजदूर आए हुए हैं। इन मजदूरों का आरोप है कि एक साल हो गए मेड़बंदी और खंती और गौशाला का काम किया है, जिसमें हमारी मजदूरी पड़ी हुई है। आज तक प्रधान द्वारा मजदूरी नहीं दी गई है। इस कारण से जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की है कि हमारी मजदूरी दिलाई जाए। तो क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है कि एक साल हो गए, एक महीना काम, एक साल हो गए काम की, नरेगा का काम है रोड का, केवल मान लिया कि एक किस्त पैसा हमें दिया, इसके बाद बाकी पूरा पैसा पड़ा। कितनी खंती खोदा था? कम से कम 200। 200 खंती? कितने? 3 महीने काम किया, 3 महीने। अकेले की आपके परिवार से? बच्चे सहित। कितने एक घर से लगे थे? एक घर से 3 आदमी। 200 खंती में कुल आपको कितना पैसा मिला? 24 गड़ाई। क्या समस्या लेकर आए? समस्या ये है मैडम कि हम गौशाला में काम किए, गौशाला में पहले इंगल गड़े और बांस गड़े, फिर जाली बंधी, फिर उसकी पूरी व्यवस्था करने के बाद जो है टीन सेट हुआ, एक नाला बना छोटा और चरही बनी गऊओं के लिए, गेट बना, उसमें से किसी की मजदूरी नहीं दी। कितने मजदूर थे? 5-6 मजदूर थे। 5-6 मजदूर, किसी का पैसा नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। एक दिन का कितना पैसा था? 250 रुपये। किसने लगवाया था? प्रधान ने लगवाया जी। कर्जा वर्जा लेके किसी तरह अपना घर चला रहे थे हम, इसके अलावा कोई काम नहीं कर पाए ना। तो आप किस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं? हमारा पैसा मिलना चाहिए। क्या मांग? पैसा निकाल लिया है वो, पैसा दे नहीं रहा। प्रधान ने निकाल लिया? हाँ। और आज कहाँ आए थे, किस अधिकारी से मिलने? डीएम साहब के यहाँ मिले? अभी नहीं मिले। इसका जो मनरेगा का है, इनके खाते में सबके पहुँच चुका है, कुछ आदमियों का रह गया है तो वो भी करवा रहा हूँ मैं, और राजवित का जो है वो सबका मिल चुका है, राजवित का किसी का बाकी नहीं है। और मनरेगा में जो रहता है इसमें थोड़ा लेट फेट होता रहता है, मान लो कभी लेट आता पैसा, तो इसलिए कुछ आदमी को रुका हुआ, कुछ बहुत आदमी को आ गया है। नहीं, ये पूछ रहे हैं कि मनरेगा के तहत जो लोग काम करते हैं, हाँ, उनके अनुसार कितने दिन में उनके पैसा लगते हैं उनके खाते में? ये तो आ जाता है 1-1.5 महीने में 2 महीने में, लेकिन आज कुछ रुका हुआ था इसीलिए नहीं आ पाया मान लो। नहीं तो साल भर हो गए, लोगों की मजदूरी पड़ी हुई है, लोग मेहनत करते हैं जी, अरे उनकी मेहनत का पैसा नहीं दिया जाएगा तो मजदूर भी क्या करेगा? नहीं सर, आप मैम बात तो सही कह रही हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम था इसके लिए रुक गया था। हाँ जी, जॉब कार्ड बने हैं कुछ आदमियों को जिनका रुका हुआ, कुछ आदमियों के नहीं बने हैं, तो अभी जॉब कार्ड उनका बनवा दिए हैं तो अब उनका भी लगा देंगे। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।